Hey friends, hello, how are you all? I hope you all doing good. So this video is going to be a complete vacancy for all of you, those who are looking for a job in PSUs, government companies or government organizations. So watch this video till end because I am not going to read a single notice. In this video, I am going to read multiple notices. So let's start with the video without wasting any time. First vacancy is a software technology parks of India. Yeh hai Delhi location ke liye, New Delhi location ke liye. ये नोटिस है पूरा. आप वेबसाइट पे जाना stpi.in पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ये करियर सेक्शन में जाके. सो ये वाला जो वैकेंसी है दैट इज फॉर द पोजीशन सीनियर फाइनेंस ऑफिसर. इसमें पे लेवल जो है वो लेवल 11 है, 67,002 है पर मंथ एंड एज लिमिट वगैरह सब लिखी हुई है इसमें. ओके एंड दिस इज आई थिंक दिस इज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब सो यू कैन रीड आउट द कंप्लीट. फॉर अप्लाइंग टू दिस you need to possess some experience इसमें एक्सपीरियंस मेंशन है. अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके पास 8 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपके पास 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप सीए हो या एसीडब्ल्यू हो या एमबीए हो तो आपके पास 4 years का एक्सपीरियंस इस पोजिशन के लिए होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, राइट. तो ये पोजिशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लेना है. एप्लीकेशन फीस जो है वो है 5,000, आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट. बाकी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह पढ़ लेना, आई एम नॉट गोइंग टू रीड आउट दिस. सो जो एप्लीकेशन ओपन हुई थी वो 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर 2 नवंबर, 2 नवंबर तक रहेगा, राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट वन इज CEL India.co.in, ठीक है. ये साहिबाबाद में एक कंपनी है, ठीक है, CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. वहां पे करियर सेक्शन में जाना, आपको ये वैकेंसी नोटिस दिखेगा, आप इस पे क्लिक करोगे. एडवर्टीजमेंट नंबर 106, तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा. पीडीएफ फाइल इसे आप डाउनलोड कर लेना. तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पीएसयू एंटरप्राइज है, साहिबाबाद यूपी में है ये, मेरे तो घर के बहुत ही पास है. सो दिस इज ऑल्सो मिनी पीएसयू एंड ये वाला जो इसमें दो तीन पोजिशन है देख लेते हैं. सो फाइनेंस के लिए है यहाँ पे देखो मैनेजर फाइनेंस, ठीक है. 2 वैकेंसीज है इसमें एंड ग्रेड E3 है, एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए, राइट. सो बाकी जॉब प्रोफाइल एमआईएस एमपीएनएल बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, ठीक है. इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट इन कॉमर्स अलोंग विद सीए या आईसीडब्ल्यू विद 9 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. सो मैनेजर फाइनेंस का है पोजीशन तो इसलिए 9 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए. बाकी सीएस क्वालिफिकेशन भी अलॉन्ग विद सीए आईसीडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट पोजीशन है इसमें फाइनेंस के लिए दैट इज अकाउंट्स ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस. सो ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है. सो तो प्रोफाइल सेम है एज इट इज है, दिस पोजीशन इज अकाउंट्स ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस. इसमें एक ही पोस्ट है एंड ग्रेड E1 है. तो इसमें आप सीए पोजेस करने चाहिए और सीए डिग्री होनी चाहिए आपके पास अलॉन्ग विद ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस. सो 2 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, बट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब एंड यहाँ पे हम सीटीसी देखें. तो सीटीसी हम ग्रेड E1 के लिए देखें फॉर अप्रोक्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट. अगर देखो रेगुलर पोस्ट होता तो 8.94 लाख पर एनम होती, बट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के लिए हायर कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, सो 7.83. सो आई थिंक दिस ये वाला पैकेज इज ओके एंड डेफिनेटली गुड, सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस. तो आई थिंक पीएसयू इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है. थोड़ी बहुत प्राइवेट से कम मिल रही हो तो इट्स ओके, बट आई थिंक बाकी चीजें विल बी गुड. सो दीज आर द अदर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. क्राइटेरिया जो भी है वो 31 अक्टूबर को मीट करनी चाहिए. सो रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड आउट. सो मैं तो इसमें एलिजिबल हूँ एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, राइट. एंड एप्लीकेशन ओपन कब हुई थी, 6 अक्टूबर को, ये देखो डेट. एंड लास्ट डेट क्या है, 6 नवंबर, राइट. सो फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज डिटेल्स एंड आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप अप्लाई के लिए रही ऑल. सो यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू कंपनी वेबसाइट. इसी वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा इन द करियर सेक्शन जाकर. एंड वहाँ पे फीस होगी 500 फॉर जनरल एंड ओबीसी, राइट. सो दैट्स ऑल अबाउट सीईएल एप्लीकेशन. हमने 2 वैकेंसीज अब तक शेयर करी है, राइट. अब थर्ड पे चलते हैं. थर्ड वैकेंसी जो है वो दैट इज फ्रॉम DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेफिनेटली दिल्ली मेट्रो, राइट. तो इसमें जनरल मैनेजर फाइनेंस के लिए निकली है, ऑफ कोर्स क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एक्सपीरियंस जो है वो काफी ज्यादा होगा, तभी जनरल मैनेजर फाइनेंस पोजीशन को आप होल्ड कर पाओगे. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑन डेप्यूटेशन एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस. यहाँ पे पे स्केल देख लेते हैं, 1,22,280,000.
पोस्ट आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टू एंड एज लिमिट है. सो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सीएमए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आई थिंक एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड, हायर नंबर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. सो आई थिंक हम तो एलिजिबल नहीं, इन केस यू फैमिलियर विद एनी ऑफ द पर्सन हु आर एलिजिबल सो यू कैन पास ऑन दिस. वाज अबाउट दिल्ली मेट्रो, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच है, सो यू नीड टू फिल दिस आउट एंड देन सेंड इट टू डीएमआरसी. दिस विल बी द प्रोसेस फॉर दिस, राइट? And you will need to enclose the following documents also. So, SS number of experience कितना required है वो mention नहीं है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है? But yeah, general manager की position है, so there will be definitely ज़्यादा experience की ज़रूरत होगी, right? General manager finance की position है. So this was all about Delhi Metro Rail Corporation. So this was the number 3, right? Now let's come to the next one. Next one is from our very own institute ICAI. So, ICAI की वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं ये वैकेंसीज. दो वैकेंसीज रिलीज करी हैं इन्होंने. सो ICAI ने रिलीज किया है एक पोजीशन फॉर द पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल. क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट विद गुड ऑडिटिंग बैकग्राउंड एंड हैविंग 2 to 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑडिटिंग प्रोफाइल. सो दोज पीपल हु आर फ्रॉम ऑडिट बैकग्राउंड, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ठीक है? ये स्किल सेट्स रिक्वायर्ड है एंड जॉब प्रोफाइल आप चेकआउट कर लेना इन केस यू इंटरेस्टेड. Age limit, like place of posting will be Jaipur, not Delhi, right? NCTC is very good, up to 12 lakhs per annum for 2 to 4 years of post-qualification experience. This is superb, right? So definitely you can look out this and application form. देखो यहाँ पे क्लिक करोगे आप. So this is a link. You will click, and then one word file will be downloaded. You need to open it out and just fill this basic information. And you need to check out what is the process of where to send and all everything, right? So basic informations are there, right? And you will need to attach your documents with this. Okay, so this was this is number 1 from ICAI, and number 4th vacancy I have told till now, right? So this is the next one from ICAI, and this is for the position ERP technical accounts. So in this, for this position you must be a CA inter having 5 years of experience in accounting, right? So preference definitely उनको दी जाएगी जो ERP implementation और migration process से background से होंगे. So this is a very technical profile, those who are into ERP and all, right? So और इसमें number of experience and because CA inter and in case you are holding 5 years of experience, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं. Rest of the informations you can read out, you can download this notice from the ICAI website and up. इसमें see CTC is very good here, 11.4 lakhs. So in dono applications ki last date bhi hai, I think November hai. You need to check out ki kab hai, isliye November 3 first week of November se pehle ise fill kar dena in case you are eligible. Application form same is link pe click karenge download ho jayega, and you need to send this application to the address mentioned here. May send their application through email ke through bhi send kar sakte hain, aur print out leke ise fill kar le, ya fir word file hai to aap definitely isme type kar sakte hain aur ise send kar sakte hain PDF banakar to this address. Through by post send कर सकते हो और by email. दोनों position जो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी share करी, दोनों का same process है, right? So this was number 5th vacancy I've shared till now. Now let's move to next. Next is from Prasar Bharati Housing. DD News का अपने नाम सुना होगा. So that New Delhi के लिए है position, ये Delhi में इनका office है. DD News definitely आपने सुना होगा, उस company का नाम है Prasar Bharati and this is PSU. So this is going to be a good opportunity for those who are looking for government jobs. So position yahan pe hai finance planner accounts and planner tax. So this is on contractual base, and let's see, qualification is BCom honors with CA, ya fir aapne agar CMA kiya ho, experience 5 years ka post qualification experience hona chahiye in case you are applying for finance planner accounts, right? And in case you are applying for planner tax, jisme ki dono mein ek ek vacancy hi hai, zyada number of vacancies nahi hai. Right, अगर आप planner tax के लिए apply कर रहे थे, then you need to hold 3 years of experience only, ठीक है? So I am and salary पे mention है, see in case you are holding or applying for finance planner accounts, then you will get a remuneration of 75,000, is a consolidated amount, and in case you are applying for planner tax, then 60,000 per month consolidated amount, right? And other terms and conditions इसमें mention है, you can definitely check it on your own, right? And इसमें एक annexure दिया हुआ नीचे, आपको इसे fill करना है. Yeah, next is my basic information and along with documents you need to post to this mentioned address only, right?
तो इसमें आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही मेंशन करना होगा, यहाँ पे आप चेकआउट कर लेना, यहाँ कहीं एड्रेस मेंशन होगा, अलोंग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म, राइट।